नमस्कार, पल पल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं खास और ब्रेकिंग न्यूज। डेरा सच्चा सौदा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन सिविल सर्जन के हाथ चला गया। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सिविल सर्जन पर आधारित कमेटी करेगी सुपरविजन। सिविल सर्जन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। कमेटी की देखरेख में चलेगा सारा काम। कमेटी में 3 चिकित्सकों सहित 8 सदस्य होंगे शामिल। अस्पताल प्रबंधन द्वारा खर्च करने से पूर्व लेनी होगी कमेटी की इजाजत। डेरा अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की डिग्रियों की भी होगी जांच। इसके लिए हाईकोर्ट ने दिए हैं आदेश। सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता ने दी है पूरी मामले की जानकारी। डिग्रियों की जांच के बाद में सौंपी जाएगी हाईकोर्ट को ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने डेरा सच्चा सौदा में चल रहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन अब अपने हाथों में ले लिया है। इसके लिए बकायदा सिरसा से सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो समय समय पर अस्पताल की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले न्यायालय ने डेरा द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों की देखरेख के लिए सरकार को निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी व दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने एक कमेटी गठित की थी, जो समय समय पर शिक्षण संस्थानों की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करती रही है। न्यायालय के आदेशों के बाद सरकार ने सिरसा सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गोयल को अस्पताल के संचालन का समिति अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। इस पर डॉक्टर गोविंद गुप्ता ने बताया कि अस्पताल पूर्व की ही भांति काम करेगा, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई गई कमेटी की देखरेख में कार्य चलेगा। उन्होंने बताया कि शाह सतनाम सर्च एवं डेवलपमेंट फाउंडेशन की अस्पताल की सुविधाओं पर खर्च करेगा। और उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने डेरा अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की डिग्रियों की भी जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिग्रियों की जांच के बाद में हाईकोर्ट को ये रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। आपको बता दें कि अस्पताल के काफ़ी लंबे समय से बैंक खाते सील होने के कारण कई सुविधाएं बंद हुई पड़ी हैं, जिसके संचालन के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा हाईकोर्ट से राज्य सरकार के पास में सील पड़े बैंक खाते खोलने का आग्रह किया गया है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। और कल का एडमिट करवाना है। तो सॉरी है। हाँ जी, एडमिट है क्या यहाँ? हाँ एडमिट है जी। वो कल सुबह और फिर और तो बोल देगी उसको, तो मरीजों को मैं लगे ठहर। अच्छा, नहीं खाली पेट था क्या? नहीं खाली पेट है जी। डॉक्टर साहब, ये जो डेरा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको प्रबंधन हाथ में लिया है, क्या किस तरह से है, क्या फैसला है सर? हाँ, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं। इसमें एक एडहॉक गवर्निंग कमेटी बनाई है, जिसके हेड सिविल सर्जन को बनाया गया है, और जिसमें 7 और मेंबर हैं कमेटी के, जिसमें डॉक्टर राजकुमार नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर प्रमोद डिप्टी CMO और डॉक्टर दीपक कम्बोज हैं, 3 डॉक्टर हैं, और एक हमारे चीफ फार्मासिस्ट है कृष्ण कुमार, एक अकाउंट्स ऑफिसर है प्रेम मेहता, और एक बायोमेडिकल इंजीनियर है, और एक लीगल असिस्टेंट विक्रम यादव। ये एक सुपरवाइज करेगी इनके काम को। और एक हम हाईकोर्ट ने मांगा कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्री वेरीफाई करनी है, पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी डिग्री वेरीफाई करनी है, तो हम वो करके कोर्ट में पेश करेंगे। तो आगे से किस तरह संचालन रहेगा वहाँ, जो डॉक्टर्स वगैरह उनकी पे वगैरह का, या जो वहाँ खर्चा किया जाएगा उसके बारे में क्या अनुमति ली जाएगी प्रबंधन कमेटी से? हाँ, वो पैसा उनका ही है, अकाउंट्स उनके ही हैं, हम लोगों को सुपरवाइज करना है, जो भी खर्चा होगा वो हमारी परमिशन से होगा वहाँ। तो डेरा हॉस्पिटल का जो अकाउंट्स वो भी सील किया सरकार ने, हाईकोर्ट ने, क्या वो खुलने की उम्मीद है उसके? उसके अभी हम मांगेंगे हाईकोर्ट से, अकाउंट सीज हैं तो उनका कैसे भुगतान किया जाए। अभी इनके पास कुछ नगदी पैसा है, उसी से हम चला रहे हैं काम। तो कुछ मशीनें वगैरह है क्या, इसके बाद वो सुचारू रूप से चल पाएंगे, लोगों की इस तरह से सुविधा बहुत मिलेगी? सुविधाएं तो वही हैं जो चल रही हैं, उनको हम बस देख रेख करेंगे। तो इसके पीछे क्या पर्पज मानते हैं सर? कि इनके पीछे ये बात थी कि इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे यहाँ डेरा के हॉस्पिटल के अकाउंट सीज हैं और हमें डे टू डे एक्टिविटीज में खर्चा करने में मुश्किल आ रही है, हॉस्पिटल चलाने में मुश्किल आ रही है। उसी का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने आया कि एक एडवोकेट कमेटी बनाई है, तो उसे संचालन करेगा।